अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर बीजेपी का कांग्रेस के विरोध में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलकर गुमराह करने का लगाया गया आरोप। जनता को किया गया गुमराह, न्यायालय का किया गया दुरुपयोग। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा साइलेंस जोन जिलाधिकारी कक्ष और परिसर में जमकर की गई नारेबाजी। महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लगाए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे खड़े होकर करते रहे प्रदर्शन। दरअसल राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने बेबुनियाद निराधार प्रश्न खड़ा करके उसे दुष्प्रचार कर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 4 याचिका दाखिल की गई। इन याचिकाओं में निर्णय प्रक्रिया, कीमत तथा ऑफसेट पार्टनर को लेकर 3 विषय प्रमुखता से उठाए गए थे। गत 14 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप पाया। इस निर्णय ने यह संदेश भी दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को सिर्फ संदेश और भ्रामक समाचारों के आधार पर न्यायालय के मंच का उपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि समझौते पर लोगों की निजी धारणा क्या है, यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना के महत्वपूर्ण जरूरत को हिला हवाली करके लटकाने वाली कांग्रेस और उसके अध्यक्ष इस पर बेबुनियाद दुष्प्रचार कर रहे हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मामले को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया गया है। यह गंभीर विषय है। राहुल गांधी का इस पूरे मामले में आचरण अत्यंत ही अति संवेदनशील एवं देश हित के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने तथा भारत की साख से समझौता करना, जनता से बोले गए इस गंभीर झूठ के लिए उन्हें लोक सेवक पद से मुक्त किया जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत ने माइक से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, जिसके पीछे अन्य भारी मात्रा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मामले पर गलती से नारे लगाए जाने की बात कही गई। अभी जो कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा राफेल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, अभी 14 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसमें ये स्पष्ट हो गया है कि जो कांग्रेस नेतृत्व द्वारा आरोप लगाए गए थे वो निराधार और तथ्यहीन है। सिर्फ देश की जनता और संसद को गुमराह करने का कांग्रेस नेतृत्व द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी लगातार जो असंसदीय भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं वो सदा निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री पर वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कमी है। ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी में कोई बोल गया होगा, ऐसा नहीं है। सब लोग राहुल गांधी मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी हमारे कण कण में विद्यमान है। हम लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का ही नारा लगाएंगे हमेशा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। चूंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे 125 करोड़ देशवासियों को बहुत आहत है, और वो पड़ोसी देश को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई और याचिका कैंसिल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राफेल डील का सौदा पाक साफ है, उसके बाद भी विदेशी देश को खुश करने के लिए राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी की है। हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी इसके लिए देश से माफी मांगे और सदन से इस्तीफा दें। राहुल गांधी माफी मांगो, ऐसा है, हम देश की जनता के सबका साथ सबके विकास के साथ देश की जनता के सामने सच को सच साबित करना चाहते हैं, झूठ को झूठ साबित करना चाहते हैं। जिस तरह से देश की जनता को राहुल गांधी ने गुमराह करने का प्रयास किया है, हम 125 करोड़ देशवासी आते हैं, इसलिए जनता की मांग थी, हर देशवासी की मांग थी कि इसके लिए आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दें, इसलिए ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल भाजपा ने कोई नाम देने की राजनीति नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास को जिस तरह से
तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है, देश की पुरानी संस्कृति और इतिहास को बचाने का काम किया है। गलत गलत बात है, इस तरह का कोई नारा नहीं लगा और कोई किसी तरह की कोई इस तरह की बात। राहुल गांधी चोर है।